गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम जो है प्रेजेंट कंडीशंस का क्वेश्चन बनाना सीख लेते हैं। प्रेजेंट कंडीशंस में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, बस सिंपल प्रेजेंट कंडीशंस ये बताता है। प्रेजेंट कंडीशंस क्या बताता है कि काम चल रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है। ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, अरे इज एम आर को शुरू में रख देंगे। इज एम आर शुरू में आएगा तो हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, ठीक है, इज एम आर, ठीक है ना, शुरू में जैसे इज एम आर शुरू में आया तो वो हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, और डब्ल्यू एच फैमिली वगैरह होंगे वो उससे भी पहले लग जाएंगे। तो शुरू करते हैं जरा इसके अंदर ये। ओके, अब देखो जरा इसमें वो कह रहा है पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आई के साथ एम लगा दिया, वर्ब में आई जी लगा दी, ठीक है ना, ही शीट सिंगुलर नाउन के साथ इज लग जाता है, और वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ जो है जो बॉयज गर्ल्स वगैरह उनके साथ आर लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जी, तो ये तो लगा ही देते हैं मेन वर्ब में, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनाना है तो कह रहा है इज एम आर शुरू में रख दो, आप देख रहे हो ये कहाँ आ रहे हैं, ये एम कहाँ आ रहा है, से पहले इज कहाँ आ रहा है, ही शीट सिंगुलर नाउन से पहले, और आर कहाँ आ रहा है आपका इनसे पहले, वी यू दे से पहले, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जी, दैट्स ऑल। ओके, जो आपका मेन वर्ब है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जी वो सब्जेक्ट के बाद आएगी, और जो इज एम आर वगैरह शुरू में लग जाएंगे। तो रेडी, अब देखो सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं जरा इसमें ये। ओके, क्योंकि इंग्लिश आती है पढ़ने से बोलने से, ठीक है। तो कहते आर यू फीलिंग ओके, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, येस आई एम फाइन, हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू, इज इट ट्रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, देखो इज कहाँ लग गया, इसमें देख लो आर पहले लग गया है, इज इट ट्रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, देखो इज से हिंदी शुरू, इज इंग्लिश सेंटेंस शुरू हो रहा है, हिंदी में क्या शुरू हो रहा है, इज इट ट्रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, येस टेक एन अम्ब्रेला, हाँ एक छाता ले लो, वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, अच्छा वाई कहाँ आ रहा है, देख लो वाई कहाँ आ रहा है, आर से भी पहले आ रहा है, वाई कहाँ आ रहा है, आर से भी पहले आ रहा है, वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, तुमने कोट क्यों पहना हुआ है, इट इज़ नॉट कोल्ड, ठीक है, इट इज़ नॉट कोल्ड, या फिर तुम कोट क्यों पहन रहे हो, या फिर तुम कोट क्यों पहन रहे हो, वाई आर यू वेयरिंग अ कोट, तुमने कोट पहना हुआ क्यों पहना हुआ है, या फिर क्यों पहन रहे हो, इट्स नॉट कोल्ड, ठंड तो नहीं है यार। तो ये बता रहा है डब्ल्यू फैमिली होगी वो जमार से ही पहले आ रही है, देखो व्हाट्स, ये एक्चुअली व्हाट्स ये तो शॉर्ट फॉर्म है, वो व्हाट्स एक्चुअली व्हाट इज है वो, ठीक है। तो व्हाट्स पॉल डूइंग, पॉल क्या काम कर रहा है, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, मैं पहले बता चुका हूँ इसमें, अब हम जो है शॉर्ट फॉर्म पढ़ना सीख गए, ही इज यानी कि एक्चुअली वो ही इज है, क्या है, ही इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, व्हाट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या काम कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग टेलीविजन, वो टेलीविजन देख रहे हैं, लुक देखो देर इज सैली, सैली तो बो रही, वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, वेयर इज शी गोइंग, वो कहाँ जा रही है, हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रहे हो, आप दिस में भी देख रहे हो हु कहाँ आ रहा है आपका आर से पहले, ठीक है, हु आर यू वेटिंग फॉर, तुम किसका वेट कर रहे हो, आर यू वेटिंग फॉर सू, क्या तुम सू का वेट कर रहे हो, ठीक है। अच्छा इसमें देखो आगे, ये हमारे पास वो कह रहा है स्टडी द वर्ड ऑर्डर, स्टडी द वर्ड ऑर्डर मतलब होता क्रम, यहाँ आदेश नहीं है, यहाँ पर क्रम है, तो क्या कहते हैं इसको जो ना इसको अध्ययन करो गौर से देखो, तो हम क्या करते हैं यार, हमें पता है कि इज एम आर कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट से ही पहले, इज एम आर कहाँ जाते हैं, सब्जेक्ट से भी पहले आ जाते हैं, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, और जैसे कि इज ही वर्किंग टुडे, क्या वो आज काम कर रहा है, इज पॉल वर्किंग टुडे, क्या पॉल आज काम कर रहा है, और डब्ल्यू एच फैमिली होती है वो इज एम आर से भी पहले आ जाती है, जैसे वेयर कहाँ आ गया, आर से पहले, वेयर आर दे गोइंग, वो कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर दोज पीपल गोइंग, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, अच्छा वो हमें बता रहा है कि भाई आपको शॉर्ट आंसर्स की बात कर रहा है, शॉर्ट आंसर्स में हमें पता है कि हाँ कहना हो तो वो इज एम आर रिपीट कर देते हैं, यस और, ठीक है ना, और इज का लगता है एम आई के साथ लगता है, और आर का लगता है हमें तो पता ही, वी यू दे प्लूरल के साथ, ये बतानी जरूरत नहीं है, नेगेटिव में जो आप देना हो तो आप जो है ना नॉट कह दो, और नॉट कहने के दो तरीके हैं, या तो आप ही इज नॉट, शी इज नॉट, इट्स नॉट, या फिर ये इज और नॉट चिपका दो, ही इजंट, शी इजंट, इट इजंट, या फिर आपको इसके साथ जो अब देखो दूसरा अब आर वी आर नॉट, नॉट अलग तोड़ दिया, वी आर नॉट, यू आर नॉट, दे आर नॉट, या फिर आर और नॉट को एक साथ चिपका दो, आर एंड शॉर्ट फॉर्म हो गई, ठीक है, ये आपके शॉर्ट आंसर्स हैं, हिंदी क्या से ही जो आप जो क्या से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जवाब हाँ ना में दिया जाता है, उनको शॉर्ट आंसर्स कहते हैं, आर यू गोइंग नाउ, क्या तुम अब जा रहे हो, येस आई एम, हाँ मैं जा रहा हूँ, पूरा सेंटेंस बोलनी जरूरत नहीं, येस आई एम गोइंग नाउ, ये पूरा बोलनी जरूरत नहीं, सिर्फ येस आई एम, इज पॉल वर्किंग टूडे, क्या पॉल आज काम कर रहा है, येस इज, हाँ, इज इट ट्रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, इज इट ट्रेनिंग, नो इट इज़न्ट, नहीं तो,
आर योर फ्रेंड्स स्टेइंग एट अ होटल, क्या तुम्हारे फ्रेंड्स होटल में ठहरे हुए हैं? नो दे आर, नहीं तो दे आर स्टेइंग विद मी, वो तो मेरे साथ ठहरे हैं, दे आर स्टेइंग विद मी, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक्सरसाइज कर लेते हैं जरा, देखो इसके अंदर ये तुम्हारा बच्चे इसमें ये देखो, लुक एट द पिक्चर इन द क्वेश्चंस, यू वॉच इट। अच्छा इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है, देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है, गौर से क्वेश्चन मार्क दे रखा है ना, देखो क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ध्यान करना है कि क्वेश्चन जब बनेगा तो आपको इजमार शुरू में आएंगे, इजमार शुरू में आ जाएंगे और वॉट वैन वाई वगैरह दे रखेंगे वो इजमार से भी पहले आ जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है इजमार शुरू में आने का मतलब है हिंदी कैसे शुरू, ठीक है, होगी। तो कहता है इसमें रेडी, अब देखो जरा इसके अंदर ये यू वॉच इट, आर यू वॉचिंग इट, वो देख लो लेडी ना वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा, नो यू कैन टर्न इट ऑफ, नहीं तुम इसे बंद कर सकते हो, ठीक है। आर यू वॉचिंग इट, क्या तुम इसे देख रहे हो? अच्छा वो अब देखो लेडी जा रही है तो वो पूछ रहा है आर यू गोइंग नाउ, क्या आप जा रही हो? यस यू टुमारो, हाँ कल मिलते हैं। तो देखो क्वेश्चन बन रहा है तो ये इट के हिसाब से इज पहले आ जाएगा, इज इट रेनिंग, क्या इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है? नो नहीं तो, नॉट एट द ओनली, इस समय तो नहीं हो रही। अच्छा यू इंजॉय द फिल्म, अच्छा यू के हिसाब से आर लगेगा, आर यू इंजॉइंग द फिल्म, क्या तुम फिल्म को इंजॉय कर रहे हो, मजे आ रहे हैं, वो उससे पूछ रहा है, ठीक है ना। यस इट इज़ वेरी फनी, हाँ बड़ी मजाकिया फिल्म है यार। दैट क्लॉक वर्क, तो यानी कि दैट क्लॉक से सब इज लगेगा, इज दैट क्लॉक वर्किंग, क्या वो घड़ी काम कर रही है, वो उससे पूछ रहा है, इज दैट क्लॉक वर्किंग, क्या घड़ी काम, नो इट्स ब्रोकन, ये तो खराब पड़ी है, इज दैट क्लॉक वर्किंग, इज पहले आ गया, इज दैट क्लॉक वर्किंग, क्या वो घड़ी काम कर रही है, नो इट्स ब्रोकन, खराब है। तो यू राइट अ लेटर, तो क्वेश्चन मार्क, तो यू के हिसाब से आर लगेगा, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या आप एक लेटर लिख रहे हो? यस टू माय सिस्टर, हाँ अपनी सिस्टर को लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके अब इसमें अब आप देखो लुक एट द पिक्चर, पिक्चर्स को देखो, कंप्लीट द क्वेश्चंस है, यूज वन ऑफ दिस, इनमें से करना है, इनमें से कोई वर्ब करनी है, cry, eat, go, laugh, look at, treat, अब देखो WH family वाले हैं हमारी एक्सरसाइज के अंदर, तो जो WH family पहले आएगी तो इस हमारे से भी पहले आ जाएगा। देखो what है, what are you doing, तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, वो पूछ रहा है उससे लेडी से। अब ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो वो पूछ रही है where is she going, ठीक है, where is she going, ओके। ये लेडी पूछ रही है, इस आदमी से, इस लेडी के बारे में, तो शी तो लगेगा, तो ठीक है ना, where is she going, वो कहाँ जा रही है। अच्छा इसमें देखो अब ये लेडी पूछ रही है, ठीक है, ये लेडी पूछ रही है इस आदमी से, what are you eating, पहले में दूसरे वाले में, ठीक है ना, ये वेरी शी गोइंग तो भर दिया, अब ईटिंग भी भर दिया, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या खा रहे हो। अच्छा आगे ये बच्चा रो रहा है, ये लेडी उससे पूछी व्हाई आर यू क्राइंग, तो रो क्यों रहे हो। अच्छा ये जो है ना, ये लेडी, सॉरी ये वाली जो है ना, ये तो ये आदमी ये अपने इस लेडी से कह रहा है कि वो क्या, वो ये लोग ना ऊपर कुछ देख रहे हैं, ठीक है, तो इनसे वो कह रहा है, इस लेडी से पूछ रहे हैं व्हाट आर दे लुकिंग एट, इनके लिए दे लगेगा, क्या लगेगा, आपने ध्यान करना, दे लगेगा, What are they looking at? वो क्या देख रहे हैं? What are they looking at? वो क्या देख रहे हैं? अच्छा यहाँ पर ये लेडीज आपस में बात कर रही है, तो एक पूछ रही है इनमें से कि, और ये हंस रहा है, क्या ये बंदा हंस रहा है, तो इसके लिए तो हिसाब से ही लगेगा, ठीक है ना, ही लगेगा, लड़के के लिए ही लगता है ना। Why is he laughing? ये वाला लास्ट वाला रह गया, ठीक है, Why is he laughing? रीड तो इसने पहले भर दिया है, तो ये वाला, ठीक है ना, Why is he laughing? ठीक है जी, ओके। अच्छा आप देखो जरा इसके अंदर ये, यहाँ पर राइट क्वेश्चंस फ्रॉम दीज वर्ड्स, इनमें से क्वेश्चंस आपने बनाने हैं, आपको दे रखे हैं, वो आगे पीछे करने हैं, जंपर वर्ड्स दे रखे हैं, यूज इज और आर, आपने इज और आर का इस्तेमाल करना है, पुट द वर्ड्स इन ऑर्डर, उनको क्रम में रख दो। वर्किंग पॉल टूडे, तो भाई पॉल के हिसाब से इज आएगा, ठीक है ना, तो इज पॉल वर्किंग, क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन डब्ल्यू, ठीक है, तो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा इस जमा, और डब्ल्यू शामिल होगी तो उसमें पहले आ जाएगी। देखो वॉट होता तो वॉट है, तो इसमें सबसे पहले आ रहा है, देख लो वो आर से भी पहले आ रहा है,
इस वाले में क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में आपको हेल्पिंग वर्ब भी लगानी, डब्ल्यू एच डब्ल्यू था ही नहीं इसमें, हेल्प वेयर है तो वेयर पहले आएगा, यूर पेरेंट्स वॉचिंग टेलीविजन इसमें क्वेश्चन मार्क है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि आपको पता है डब्ल्यू एच डब्ल्यू नहीं है, तो आपका इज एम आर ही आना है शुरू में। अच्छा वॉट है तो वॉट आएगा, वाई है तो वाई आएगा, लेकिन इसमें देखो और से देखो, ये देखो यहाँ पर कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, कोई डब्ल्यू एच डब्ल्यू नहीं है, तो आपको इज एम आर से ही शुरू करना है सेंटेंस। रेडी, अब मैं जरा बोल रहा हूँ इसको देखो, पॉल वर्किंग, इज पॉल वर्किंग टूडे, क्या आज पॉल काम कर रहा है, वॉट डूइंग द चिल्ड्रन, वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, वॉट चिल्ड्रन के हिसाब से आर लगा, वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, और वॉट का लग रहा है आर से भी पहले, वॉट आर द चिल्ड्रन डूइंग, बच्चे क्या कर रहे हैं, यू लिसन टू मी, आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू, यू के हिसाब से आर लगेगा, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो, आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। अच्छा वेयर है, वेयर गोइंग यूर फ्रेंड्स, तो वेयर तो पहले लग जाएगा, वेयर सबसे पहले लगेगा, ठीक है ओके, वेयर और यूर फ्रेंड्स के हिसाब से प्लूरल है, आर लगेगा, वेयर आर यूर फ्रेंड्स गोइंग, वेयर आर यूर फ्रेंड्स, ये रहा यूर फ्रेंड्स, यहाँ आएगा इससे पहले आर आ जाएगा, ठीक है, यूर फ्रेंड्स के हिसाब से आर लगा, वेयर आर यूर फ्रेंड्स गोइंग, तुम्हारे दोस्त कहाँ जा रहे हैं, यूर फ्रेंड्स टेलीविजन वॉचिंग, तो आपके हिसाब अब प्रश्नवाचक शब्द तो है नहीं डब्ल्यू शब्द, तो ये आपका इज एम आर से शुरू होगा, योर पेरेंट्स के हिसाब से क्या लगे, आर लगे, तो आर, ठीक है ना, आर योर पेरेंट्स वॉचिंग टेलीविजन, आर योर पेरेंट्स वॉचिंग टेलीविजन, क्या आपके मम्मी पापा टीवी देख रहे हैं, वॉट कुकिंग एंड, अरे ये तो वॉट से स्टार्ट हो गया, तो वॉट एंड के हिसाब से फिर इज लगेगा, एंड के हिसाब से क्या लगेगा, इज लगेगा, वॉट is and cooking, what is and cooking, and क्या बना रही है, why you looking at me, तो क्या आएगा, why तो पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है ना, फिर आर लगेगा, why you के हिसाब से आर लगेगा, why यहाँ लगाया, फिर are you looking at me, why are you looking at me, तो मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, ठीक है ना, coming the bus, Is the bus coming? Is पहले आएगा बस के हिसाब से, Is the bus coming? क्या बस आ रही है, और शॉर्ट आंसर देखो जरा इसके राइट शॉर्ट, आर यू वॉचिंग टेलीविजन, जो सही है वो लिख देना, नो आई एम नॉट, अगर देख रहे हो तो लिख देना, यस आई एम, दूसरा आर यू वेयरिंग अ वॉच, क्या तुमने घड़ी पहनी हुई है, अगर पहनी तो लिख देना, यस आई एम, हाँ, अगर नहीं तो नो आई एम नॉट, आर यू ईटिंग समथिंग, क्या तुम कुछ खा रहे हो, आपको पता है इज एम आर शुरू में आते हैं तो हिंदी क्या शुरू होती है, ठीक है, आर यू ईटिंग समथिंग, क्या तुम कुछ खा रहे हो तो लिख देना, येस आई एम, नहीं तो नो आई एम नॉट, इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही हो तो लिख देना, येस इट इज, और नहीं हो तो नो इट इजंट, और ऐसे करके लिखना इजंट में, इजंट, ठीक है ना, नो इट इजंट, आर यू सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्या तुम फर्श पर बैठे हो, अगर बैठे हो तो लिख देना, येस आई एम, नहीं बैठे हो तो नो आई एम नॉट, आर यू फीलिंग वेल, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, ठीक है, सही हो तो लिख देना, येस आई एम, और नहीं है तो नो आई एम नॉट, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर प्यारे बच्चों।